दोस्तों, जो मैं जीवन की सच्चाई के बारे में कह रहा हूँ, इसे सिर्फ सुनना ही नहीं, विजुलाइज और महसूस भी करना। दोस्तों, जिंदगी के 20 साल कैसे हवा की तरह निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। फिर शुरू होती है एक नौकरी की खोज। शुरू में कई सारी नौकरियाँ छोड़ते पकड़ते कोई एक नौकरी फिक्स होती है और वहीं से लाइफ में स्थिरता आने लगती है। फिर हाथ में आती है पहली सैलरी और फिर शुरू होता है अकाउंट में कुछ शून्य जमा होने का एक अंतिम खेल। ऐसे ही 4-5 साल गुजर जाते हैं, बैंक में कुछ और शून्य जमा हो जाते हैं। इतने में उम्र 25-26 साल की हो जाती है, घर में शादी की बातें शुरू हो जाती है, अपनी पसंद की या माँ बाप की पसंद की लड़की से शादी हो जाती है, जिनकी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। शादी के 2-3 साल कुछ शानदार सपनों में गुजर जाते हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना और रंग बिरंगे सपने। पर ये दिन जल्दी उड़ जाते हैं, थोड़ा घूमने फिरने और ख़रीदारी में बैंक में कुछ शून्य कम हो जाते हैं और फिर एक दिन बच्चे की आने की आहट होती है। साल भर में घर में पालना झूलने लगता है, दोनों का ध्यान एक दूसरे से हटकर बच्चे पे केंद्रित हो जाता है। बच्चे का खाना पीना, उठना बैठना, खिलौने, कपड़े, लाड़ प्यार में वक्त कैसे फटाफट निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। ऐसे में कब उसका हाथ अपनी पत्नी के हाथों से निकल गया, खुद के लिए घूमना फिरना कब बंद हो गया पता ही नहीं चलता। हर सुबह ऐसे ही होती गई, बच्चा बड़ा होता गया, पत्नी बच्चे में व्यस्त होती गई और पति अपने काम में, घर की किस, गाड़ी की किस, बच्चे की फीस, उसकी जिम्मेदारी, उसका भविष्य और उसके साथ बैंक में शून्य बनाने का टेंशन। उसने पूरी तरह भविष्य को सही करने के लिए अपने आप को काम में झोंक दिया। बच्चा स्कूल जाने लगा, बड़ा होने लगा, पत्नी का पूरा समय बच्चे के साथ बीतने लगा। इतने में वो 35 साल का हो गया, खुद का घर है, गाड़ी है, बैंक में कई शून्य है, फिर भी कुछ कमी है। कमी क्या है उसे समझ में नहीं आता, इसलिए व्यवहार में परिवर्तन आता है, इसलिए पत्नी भी चिड़चिड़ी होने लगती है और वो भी उदासीन हो जाता है। ऐसे ही दिन बीत गए, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे का खुद का एक संसार हो गया, उसका 10वीं आई और गई, कब पता चला भी नहीं, और वो 40 का हो गया। बैंक में शून्य बढ़ रहे थे। एक दिन अकेले में बैठे बैठे उसने पुराने दिन याद आए, पत्नी से कहता है, अरे जरा सुनो, यहाँ आओ मेरे पास बैठो, चलो पहले की तरह हाथों में हाथ लेकर बैठते हैं, कहीं चलते हैं, घूम के आते हैं, बातें करते हैं। पत्नी अजीब सी नज़रों से देखती है और कहती है, तुम्हें भी ना कभी भी कुछ भी सूझ जाता है, मुझे घर में ढेर सारा काम पड़ा है और तुम्हें है कि घूमने की सूझ रही है। कमर में पल्लू खोस कर वो निकल जाती है। फिर आता है 45वां साल, आंखों पर चश्मा लगा हुआ, बाल सफ़ेद हो गए, दिमाग की उलझनें बढ़ने लगती है। बेटा कॉलेज में है, बैंक में शून्य बढ़ रहे क्योंकि आप बिजी है भविष्य बेहतर करने के लिए। अब तो पत्नी भी कॉलोनी में कीर्तन में जाने लगी है। फिर बेटे का कॉलेज ख़त्म, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एक दिन उसके पर फूटे और नौकरी के लिए परदेश उड़ गया। अब पत्नी के बाल भी सफ़ेद होने लगे, चश्मा लग गया, दिमाग टेंशन में रहने लगा और दोनों धीरे धीरे बुढ़ापे की तरह बढ़ने लगे। उम्र 55 की बात 60 की तरफ बढ़ने लगी। बैंक में कितने शून्य है उसे खबर ही नहीं है। बाहर आने जाने का कार्यक्रम अपने आप बंद हो गया। घूमना फिरना, पार्टी, पिकनिक, ये सब बंद हुए तो काफ़ी समय हो गया था। अब तो गोली दवाइयों पर जीने के दिन आ गए थे। डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट तय होने लगी थी। जो मकान लिया था ये सोच कर कि बच्चे बड़े होंगे, हमारे साथ रहेंगे, अब तो ये मकान भी काटने का दौड़ने लगा। एक दिन बच्चे वापस आएंगे, बच्चे कब वापस आएंगे, यही सोचते सोचते ज़िंदगी के बाकी दिन बीतते शुरू हो गए। आखिर अंत में यही तो रह गया था, इंतज़ार और उम्मीद। और फिर एक दिन वो भी आया, जब वो सोफे पर लेटा हुआ था, ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। पत्नी शाम की दियाबाती कर रही थी कि वो सोफे पर लेटा हुआ है और इतने में फ़ोन की घंटी बजी। उसने सोफे से उठकर लपक कर फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ उसका बेटा था। बेटा उसकी शादी की जानकारी देता है, उसे बताता है कि वो अब परदेश में ही रहेगा, वापस नहीं आ पाएगा। ये सुन के पिता दुखी हो जाता है। फिर वो बेटे से पूछता है कि बैंक में जमा हुए उस शून्य का क्या करना है, क्योंकि विदेश के शून्य की तुलना में पिता के जमा शून्य बेटे के लिए शून्य थे क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा है। तो बेटे ने सलाह दी, एक काम करिए, उस पैसों से एक ट्रस्ट बनाकर किसी वृद्धाश्रम को दे दीजिए और आप भी वहाँ रहिए, क्योंकि अकेले रहने में देखभाल कर अकेले रहेंगे तो देखभाल कौन करेगा। फिर कुछ फॉर्मल सी बातें कहकर फ़ोन रख दिया और वो फिर से सोफे पे जाकर बैठ गया। पत्नी की दियाबाती भी ख़त्म होने को आई थी, उसने फिर आवाज़ दी कि सुनो आओ, आज फिर हाथों में हाथ लेकर बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, पुरानी नई बातें। तो पत्नी बोली, रुको बस अभी आई। पति को विश्वास नहीं, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, उसकी आंखें भर आई, आंसू बहने लगे, गाल भीग गए,
फिर अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ी, सांसें अटक गई और वो शांत हो गया हमेशा के लिए। पत्नी भी पूजा निपटाकर उसके पास आकर बैठी। अब बोलो, क्या बोल रहे थे, क्या बातें करनी है? पर उसने कुछ नहीं कहा। पत्नी ने उसके शरीर को छू के देखा, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और वो एकटक उसको ही देख रहा था। वो सुन्न हो गई, क्या करूँ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा संभली, उठी, पूजा कर जाकर दिया जलाकर ईश्वर को प्रणाम करके फिर सोफे पे आकर बैठ गई। उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, बताओ ना, कहाँ घूमने जाना है, क्या बातें करनी है, बोलो ना। उसकी आंखें भर आई, एक तक उसे देख रही थी, आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। उसका सिर उसके कंधों पर गिर रहा था और वो ठंडी हवा का झोंका अब भी आ रहा था। दोस्तों, क्या यही जिंदगी है? बस यही है कुछ शून्यों का खेल? मैं ये कहानी में क्या कहना चाहता हूँ ये तो आप खुद समझ गए होंगे। दोस्तों, अपने लिए भी जिए, अपनों के लिए भी जिए और कुछ ऐसे लोगों के लिए जिए जिसे आप जानते ही नहीं हो और जिनको आपकी बहुत ज़रूर है और जिनके लिए हमारा जन्म हुआ है। मैं यहाँ पर ये कहानी ख़त्म करता हूँ।